एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के बाद नया लेवल जो आ रहा है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, देखें जरा, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। एक कंपाउंड है आपके पास, उसका छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। देखें जरा, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एक छोटा पार्ट है किसका, एक कंपाउंड का, दैट रिटेन, जिसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज खसूसियात होती हैं एट दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड की। ठीक है, आपके पास मॉलिक्यूल एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर पूरे के पूरे कंपाउंड की क्या होती है, प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स अगर आपको स्टूडेंट दोनों में कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, तो आपने बताना है कि बायो एलिमेंट सेल्डम इन द फ्री फॉर्म। तो इन्हें क्या है कि जो जितने भी बायो एलिमेंट्स हमने बात की थी, बायो एलिमेंट्स की उसकी टाइप्स की बारे में भी हम बात कर चुके हैं, तो उन्होंने क्या है कि क्या होते हैं, समटाइम ये सेल्डम फ्री होते हैं, कभी कभार ये फ्री कंडीशन प्रेजेंट होते हैं, समटाइम ये क्या करते हैं, स्टेबल होते हैं बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, और समटाइम क्या करते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और समटाइम क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। जो भी हमारे पास दो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो तीन तरह से होती है, एक आयनिक है, दूसरी कोवेलेंट है, तीसरी शेयरिंग। मतलब कि ये बताया हुआ है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, बाउंडेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास आती है दो नंबर का पॉइंट, तो आपने इन पॉइंट्स को क्लियर करना है इसके अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल का टॉपिक है उसको क्लासिफाई किया गया है, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपके पास है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसके अंदर ग्लूकोज और वाटर आते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपके पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और इसकी एग्जांपल देखें स्टार्च है, प्रोटीन्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, हमारा नया लेवल आ रहा है ऑर्गेनेली एंड द सेल लेवल। अब जितने भी हमने बात की, जितने बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में असेंबल करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखें, जब डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं, सैंपल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके मिलने से एक स्ट्रक्चर बनता है, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेली कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देखें, ऑर्गेनेल्स में आते कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का एनर्जी पावर हाउस है, जिसने क्या करनी है, एटीपी को बनाना है। एटीपी कैसे बनती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नतीजे में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नतीजे में क्या होता है, फूड के अंदर CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, जिस निकलने वाली एनर्जी को ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी ATP को फिर हम बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। हर हमारी बॉडी का हर एक हिस्सा, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सारा कुछ कैसे करते हैं, ये हमें एनर्जी से ही करना पड़ता है, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेली है, इसका काम क्या होता है, इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करना है, प्रोटीन को बनाना है। तो यहाँ पे बताए हुए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आपको ये टॉपिक आता है डिफाइन ऑर्गेनेली, तो पहले आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है कि बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेली बनते हैं, देन आपने उसकी बात करनी है कि इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि क्रॉप में जो CH बॉन्ड्स को तोड़ना। नेक्स्ट हमने बात करी है राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स मीन प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन्स को तैयार करना। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, देखें ऑर्गेनेली कवर है, अब हम बात करते हैं सेल लेवल की। तो सेल लेवल के अंदर देखें, एक ऐसा लेवल, अब जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं, ठीक है, जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं राउंड, उसे हम कहते हैं सेल कहते हैं। और ऐसे देखें, जो ऑर्गेनेलीज है, जो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज, आप कह सकते हो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी हैं। सब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिस तरह हमने बात की सब एटॉमिक, मतलब एटम जिन चीजों से मिलकर बनता है उन्हें सब के वर्ड में आ जाता है, इसी तरह जिस तरह आपका जो सेल है वो भी बहुत सारी सब सेलुलर यानी कि छोटी छोटी साख्तों से मिलकर बन रहा है, तो उसे हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। दे असेंबल टुगेदर एंड सेल्स आर फॉर्म, जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल कहते हैं। अब देखें, नंबर टाइप की बेस पर सेल जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, कैसे, एक होते हैं यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन,
एग्जांपल आपके पास आती है, बैक्टीरिया आती है और साइनोबैक्टीरियाज आते हैं और इसके अंदर प्रोटिस्ट भी आते हैं। इनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल, ऐसी प्लांट ऐसी बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे खरबों के लिहाज से सेल्स मौजूद होते हैं, जिस तरह के हम इंसान आप ठीक है, इंसान है, पौधे हैं, जानवर है, फंजाई है, ये सारी क्या है, इंसान की बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक बात की गई है प्रोक्रियोट्स की और यूक्रियोट्स की। प्रोक्रियोट जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, तो वो भी आप यूनिसेलुलर के अंदर कंसीडर करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी सेलर की, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं ठीक है, वो आपके पास क्या है, यूक्रियोट्स है, जिसके अंदर इनका साइज प्रोक्रियोट्स के निस्बतन बड़ा होता है और वो सारे के सारे प्लांट्स आते हैं और सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं टिश्यू लेवल की। अब क्या होते हैं, जब बहुत सारे आपस में सेल्स कंबाइन करते हैं, ये सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ग्रुप, जब बहुत सारे आपस में सेल्स मिलते हैं ठीक है, क्लस्टर्स की फॉर्म में, एक ग्रुप की फॉर्म में सेल्स मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टिश्यू कहते हैं। तो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल, एक जैसे ग्रुप जो होता है सेल्स का, वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, एक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल कहते हैं। इसकी एग्जांपल प्लांट्स के अंदर देखते हैं और एनिमल्स में देखते हैं। अगर प्लांट टिश्यूज की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यूज आ रहे हैं और ग्राउंड टिश्यूज आ रहे हैं। अगर हम एनिमल्स के टिश्यूज की बात करें तो नर्वस टिश्यूज आ रहे हैं और मस्कुलर टिश्यूज आ रहे हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट